हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट में हम लोगों ने एक हेवी गैप अप ओपनिंग देखी थी एंड आफ्टर दैट एक माइनर सेलिंग प्रेशर, अगेन एक अप मूव देखी, अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखा। तो कल आई थिंक हम लोगों ने बात करी थी कि जो एक सप्लाई लेवल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया था, अगर उसके ऊपर खुलता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, और अगर शुरुआत के 5 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं एक सेलिंग आ रही है तो वहां पर हम एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड में शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। तो पूरा एक बार सिनेरियो को चार्ट पर समझेंगे, देखेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पे मैंने बहुत बार फोकस करा है स्टॉक पे, मैं टेलीग्राम चैनल पे आज ये दोबारा डाल दूंगा कि किस लेवल पे दिया था। अभी भी बहुत अपसाइड बाकी है और ब्रेकआउट आज बहुत अच्छा आया है, तो उसको भी जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की मार्केट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है एंड निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने कल बात करी थी कि ये लेवल था जिस लेवल पे क्लोजिंग दी थी, और डेफिनेटली कल यूएस की मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट दी थी, ऑलमोस्ट डाउ जोन्स भी 3% तक ऊपर गया था। सो डेफिनेटली आज की डाउ जोन्स की मार्केट या आज की यूएस मार्केट में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज एक बड़ी अपसाइड के बाद मार्केट डेफिनेटली साइडवेज या रेंज बाउंड ही रहने वाली है। ठीक है, तो उसके भरोसे हम चेक नहीं करेंगे। बट हम लोगों ने कल जो बात करी थी, एक डेफिनेटली गैप अप आएगा। अगर गैप अप आता है और इन लेवल्स के पास आता है तो हम क्लियरली, अगर एक बियरिश कैंडल हमें दिखती है 15 मिनट या 5 मिनट की, हम शॉर्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको पता होगा कि मैंने बोला था अगर इस लेवल के, इस रेंज के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो जितने लोगों ने भी इन लेवल्स पे कहीं बाइंग करी होगी, सबसे पहली बात तो वो लोग निकलेंगे, दूसरी बात कि कंटिन्यूस ब्रेकआउट पे, गैप अवे पे ये अगर ऊपर जाता है और अगर ये 5 या 15 मिनट की कैंडल भी सस्टेन नहीं करती है तो वहां पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। दैट मींस कि वो दोबारा रेंज के अंदर एंटर हो सकता है। सो कल ये वाली बात हम लोगों ने करी थी कि जैसे ही रेंज के अंदर एंटर होना स्टार्ट होगा तो लोग अपना शॉर्ट साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे वो शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे और वो उसके नीचे क्लोजिंग देगा, वहां पर अगेन लोगों ने ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और शॉर्ट सेलर्स ट्रैप होंगे। एग्जैक्टली वो चीज फुलफिल हुई। आप यहां देख सकते हैं कि इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है, जैसे इस लेवल पे एक ब्रेकडाउन आया यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस क्लियरली इस लाइन के ऊपर या किसी भी कैंडल के ऊपर माना होगा, उन सबके स्टॉप लॉसेस विद इन फ्यू मिनट्स हिट हो गए थे। आफ्टर दैट दोबारा एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, अगर हम साइकोलॉजी के बेसिस पे समझे कि क्या बिहेवियर हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हम लोगों ने देखा, लेट्स ओपन एन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, तो और क्लियर बेसिस पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। या तो हम लोगों ने कल बात करी थी कि अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस 5 मिनट का हाई जो शुरुआत पे हाई बना था, वो हाई शुरू ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है, पूरे टाइम ब्रेक नहीं हुआ। एक सेलिंग प्रेशर आया, एक सेलिंग प्रेशर आया, इस जोन के नीचे हमने कहा था कि अगर आएगा तो क्लियर लोग पुट ऑप्शंस खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर शॉर्ट पोजीशंस होंगी। आफ्टर दैट उन लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, फॉर एग्जांपल इधर रखा, इसके ऊपर रखा, यहां रखा, इधर रखा, तो मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले हैं और जितने भी शॉर्ट राइटर्स, शॉर्ट ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, और डेफिनेटली यहां पर ट्रैप हुए होंगे मल्टीपल। आफ्टर दैट अगर हम चेक करें कि ये इस लेवल के ऊपर, ये जो बॉडी की क्लोजिंग देख रहे हो, इसको भी टेस्ट नहीं कर पाया और यहीं से नीचे गिरना स्टार्ट कर गया, सो दैट मींस कि बायर्स ने डेफिनेटली अपना बिड सेशन में 12 से 1 बजे के बीच में अपना कंट्रोल तो रिगेन कर लिया था, बट आफ्टर दैट सेलर्स दोबारा रीएंटर हुए और जिस लेवल से बाउंस करा था ना उसी लेवल के नीचे जाके इसने दोबारा एक क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर दो टर्म्स निकलते हैं। पहला टर्म ये निकलता है कि एक तो डेफिनेटली सेलर्स एक्टिव है, अभी भी इस गैप अवे, इस ब्रेकआउट पे भी सेलर्स एक्टिव है, और दूसरी चीज है कि मार्केट एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रही है। कैसे, ये एग्जांपल तो हम लोगों ने क्लियर देख लिया होगा ना कि यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया एंड आफ्टर दैट एक रिकवरी आई, उसके बाद अभी फॉल्स ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन कहां पर आया, एग्जैक्टली इस लेवल पे, देख रहे हो आप, एग्जैक्टली इस लेवल पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन आया। अगर ये दोबारा ऊपर जाता है तो इस तरीके की हम लोग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा हुआ सो दैट मींस कि फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फॉल्स ब्रेकआउट के, तो वो चीज हमें पूरी चेक करनी होगी। सेकेंड चीज, अगर ये वाला लो, आज का जो लो है, अगर वो ब्रेक होता है सो दैट मींस हमें क्लियर शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी दिस लेवल, जो कि हमें बहुत क्लियर टर्म्स में मिल सकता है। तो हमें करना क्या है, जब आप लोग सोने जा रहे हो तो एक बार यूएस की मार्केट को या सुबह उठ के यूएस की मार्केट को जरूर चेक कर लेना। अगर वहां पर हम देखते हैं कि हाँ, मतलब डाउ जोन्स 150-160 पॉइंट से ज्यादा फॉल करी है, ठीक है, और नैसडैक भी हम लोग देखते हैं 1 से 1.5% से ऊपर ज्यादा फॉल करा है, तो डेफिनेटली अगर ये लेवल के नीचे जाना स्टार्ट करता है, हमारा ये टारगेट है जो कि हमें इजिली देखने को मिल सकता है।
बट अगर कल ओपन होता है और इसके नीचे जाता है, बट 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये नीचे गया बट क्लोजिंग नहीं मिली और इसने रिजेक्शन नीचे से लेके ऊपर गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है। ये जो रेंज बाउंड है ना, इसके ऊपर जैसे ही जाना स्टार्ट करेगा हम अपना एक ट्रेड ले लेंगे, हम अपना एक ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले टारगेट की। तो जब हम लोगों ने ये वाला लेवल पे बाय करा था, हम अपने अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे टारगेट रखा था क्लोजिंग बेसिस पे, बट वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट मींस कि सेलर्स इस हाई तक भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं लोगों के जो टारगेट्स बहुत, जो पहली बार ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, जो बहुत बेसिक अभी सीखे है ना, तो अगर लोगों ने ये मूवमेंट कैप्चर करी होगी तो उनका टारगेट ये या ये ही होगा, बट दोनों टारगेट्स अचीव नहीं हुए और वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ गया। सो दैट मींस कि वो अगर दोबारा हायर साइड में भी ट्रैप करना चाहेगा तो ये एक बॉडी की क्लोजिंग है ये लेवल, ठीक है। मैं ऊपर के सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूं कि आप लाइंस से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओके, हमने बोल दिया आपको कि अगर इसके ऊपर जाता है एक कैंडल की क्लोजिंग होती है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, बट हमें प्रीवियसली ये टारगेट शो करा नहीं करा, तो हम अपना टारगेट ना कुछ इस तरफ रखेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे। सो लेट से कि अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है हमारा टारगेट ये होगा, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है हमारा टारगेट ये होगा। इस रेंज के अंदर हमें कोई भी निफ्टी पे ट्रेड नहीं लेना है। एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो। या सो बैंक निफ्टी के सिनेरियो पे व्हाट वी डिड इज कि हम लोगों ने देखा था एक अच्छी फॉल आई, आफ्टर दैट एक 50% लेवल पे यहाँ पर इसने हॉल्ट लिया, जिस लेवल से मल्टीपल रिजेक्शंस लेके फॉल्स करा था। ये जैसे ही नीचे गया, यहाँ पर हम लोगों ने इस लेवल के नीचे शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहा, नीचे गया अगेन। आप यहाँ देख सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, एक रेंज क्रिएट करी, ब्रेकआउट दिया एंड अगेन ये नीचे आ गया। सो दैट मीन्स एक सिंपल टर्म्स पे अगर हम लोग समझे तो फॉल्स ब्रेकआउट के होने के चांसेस अभी हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कि फॉल्स ब्रेकआउट है, तो वहां पे हमें पूरी नजर रखनी है। अगर कल इस लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग देखने को मिलती है तो क्लियर जो हमारे टारगेट्स होंगे दैट शुड बी दिस लेवल, ठीक है। ये लेवल के हम लोग अपने टारगेट्स क्लियर बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, बाय कहाँ करना है। सो बाय लेना, मैं एक चीज बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लेवल है, ये लेवल मैंने मार्क कर दिया है, इस लेवल से नीचे आया, इस लेवल से नीचे आया, इस लेवल से नीचे आया, कैंडल ऊपर गई बट रिजेक्शन मिला, क्लोजिंग नहीं मिली, बट इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया और वो भी अच्छी कैंडल से। आप चेक करोगे तो नीचे 3-sided कैंडल्स बनी, बुलिश 3-sided कैंडल्स बनी, आफ्टर दैट ब्रेकआउट हुआ और अब ये नीचे आ रहा है। तो ये नीचे आने के दो टर्म्स हो सकते हैं, एक तो डेफिनेटली ये फॉल्स ब्रेकआउट है और सेलिंग प्रेशर दोबारा कंटिन्यू है, दूसरी चीज कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करा है और अब ये एक हायर लो क्रिएट करना चाहता है। सो हम एक टर्म फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, ये रहा हमारा बॉटम, ये रहा हमारा टॉप, हम लोगों ने यूज कर दिया। ये एक रेंज है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। अगर कल इस रेंज के नीचे भी चले जाती है, अगर देखिए दो टाइप्स ऑफ ट्रेडर होंगे, मैं बताता हूं शॉर्ट के लिए, सेफ और रिस्की ट्रेडर। सेफ है कि अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो शॉर्ट करना है। रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या हो सकता है कि अगर उन लोगों ने देखा कि इस जोन के नीचे एक अच्छी बियरिश कैंडल क्लोज करी है तो आप सीधा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ दिस और दिस, ठीक है। आप बीच में भी एग्जिट कर सकते हो, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा रिट्रेसमेंट पे, इन लेवल्स पे अगर इसने पॉज नहीं लिया और ये ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करा, दैट मींस कि ये फॉल्स ब्रेक डाउन था और एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। सो हमें ये चीज डेफिनेटली ऑब्जर्व करनी होगी कि किस बिहेवियर में मार्केट चल रही है। एक बार स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टॉक है साथी इंडस्ट्रीज, लेट मी ओपन दिस ग्राफ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ना 1.5 इयर्स का एक कंसोलिडेशन था एंड एक अच्छा हम लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा था। आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट आया ना, ऑन अ ब्रेकआउट इसने कितने परसेंट की रैली दी है, ऑलमोस्ट 40% की रैली, वेरी गुड 40% की रैली दी है। आफ्टर दैट अब ये नीचे आया है और नीचे अपने एग्जैक्टली सपोर्ट पे, जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे इसने मल्टीपल रिजेक्शंस दिए हैं। अब ये मल्टीपल रिजेक्शंस वीक्स हैं, एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑलमोस्ट आप चेक कर सकते हो कि 5 हफ्ते से इस लेवल पे आ रहा है बट रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा है और इस हफ्ते की स्टार्टिंग ही कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है। सो दैट मींस कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये और ऊपर जा सकता है। तो अभी करंट प्राइस 123 है, 130 का मिनिमम टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 145 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को साथी इंडस्ट्रीज के अंदर मिल सकते हैं। बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। तो आर सेकेंड स्टॉक इज आईसीआईसीआई जीआई। या सो आईसीआईसीआई जीआई का मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूं फॉर यू।
एंड एक बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं इसके लिए वॉल्यूम्स का स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो फॉल आई है, ठीक है, ये लेवल से एक फॉल आई, एक अच्छी ड्रास्टिक फॉल है। आफ्टर दैट अगेन एक फॉल आई, इस फॉल से लो बनी, अगेन एक फॉल आई और लो, मतलब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्राइस जो है वो स्क्वीज हो रहा है। पहले ज्यादा बड़ी फॉल आई, फिर एक छोटी फॉल आई, और फिर उसके बाद एक और छोटी फॉल आई। अगर आप यहाँ चेक करोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट दिया है। आप चेक कर रहा है कि अपने हमेशा बॉटम से या अपने टॉप पे एक ही बार वॉल्यूम्स एक्सीड होते थे। इस बॉटम वाली कैंडल पे वॉल्यूम एक्सीड हुआ, एक रिवर्सल आया। इस टॉप वाली कैंडल पे एक वॉल्यूम एक्सीड हुआ और एक रिवर्सल आया। यहाँ पर भी आप पास्ट में चेक कर सकते हो, अपने बॉटम पे एक वॉल्यूम कैंडल के साथ कैंडल भी एक्सीड हुई और एक टॉप क्रिएट करा। सो दैट मीन्स अगर आप चेक करोगे ना, तो वॉल्यूम्स अभी भी लो हैं, वॉल्यूम्स अभी भी लो हैं। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है, आई पर्सनली डोंट थिंक ये ब्रेकआउट आप सस्टेन करेगा, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स में, एक या दो मिनट के अंदर ये वॉल्यूम का चेंज आया है अचानक से, ठीक है। बट अभी भी देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्मेंस दे सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, अगर आप लोगों ने अपना एक बाय ट्रेड नहीं लिया है, तो जैसे ही अगर ये 1140 के ऊपर निकलता है, आप एक क्लियर बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 1165 रुपीस, जो कि मिनिमम टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, जो इजिली दिखा सकता है, ठीक है। स्टॉक को जरूर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक लास्ट स्टॉक की, जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट, एंड ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि लेट मी जस्ट रिमूव द वॉल्यूम्स फॉर यू। या सो एक अच्छा हम लोगों ने इम्पल्स मूव देखा था, एंड आफ्टर दैट इम्पल्स मूव ऑलमोस्ट, ये आप देख सकते हैं कि 3 से 4 महीने तक ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस रेंज के कंसोलिडेशन का आप देखोगे, तो एक ही तरफ इसने वॉल्यूम्स को एक्सीड करा है इस डोजी की कैंडल में। अगर लेट से कि हम इसको इग्नोर करते हैं, तो वॉल्यूम्स पूरे के पूरे स्क्वीज हो चुके हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं वॉल्यूम्स, और प्राइस तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज आगे कोई मोमेंटम बची नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट आता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और वॉल्यूम्स हम देखते हैं 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीरियड से ऊपर जाता है वॉल्यूम्स के बेसिस पे, हम अपना एक ट्रेड ले सकते हैं अंबुजा सीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं टारगेट की, तो देखिए जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, दैट शुड बी अराउंड 373 रुपीज का, बिकॉज अगर आप एक्सीड करेंगे तो ये था एक क्लोजिंग प्राइस, आफ्टर दैट एक गैप अप खुला और नीचे गया, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और तो हम नेक्स्ट टारगेट जो एक्ज्यूम कर सकते हैं, दैट शुड बी 385 रुपीज का। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिस पर आप अपनी नजर जरूर रख सकते हैं। इसके अलावा मार्केट का आउटलुक आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड हूँ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और टेलीग्राम पे वो मैं एज अ पोल डालूंगा, तो प्लीज मेक श्योर आप उसे रिप्लाई जरूर करें, वो आपके बेनिफिट के लिए हो सकता है। सो एज यू ऑलरेडी नो कि हम लोग हर संडे आप लोगों को एक रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे नेक्स्ट वीक का मार्केट का आउटलुक होता है, और पास्ट वीक में ऐसा क्या हुआ जिसे नेक्स्ट वीक पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्लस स्टॉक्स एनालिसिस इन एवरीथिंग हम वहाँ पर देते हैं। क्या इसके साथ हम लोग वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन ट्रेड्स की भी एक रिसर्च आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करवाया करें एवरी वेडनेसडे या एवरी थर्सडे। इसके अलावा मंथली ऑप्शन ट्रेड्स के लिए भी अगर आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, तीनों रिसर्च रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, जिसपे पूरा फर्स्ट रिसर्च रिपोर्ट पे पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस होगा पूरे हफ्ते का, सेकंड रिसर्च रिपोर्ट पे वेडनेसडे या थर्सडे को हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, जहां पर हम आपको एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी देंगे एक्सपायरी पे कैसे प्ले करना है, कुछ स्टॉक्स की भी होंगी, कुछ इंडेक्सेस की भी होंगी, और एक तीसरी रिपोर्ट होगी जिसपे हम आप लोगों को मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करवाया करेंगे कि वहां पर कैसे ट्रेड कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर ये वीडियो को आप देखने के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, और वहां पर आप जरूर बताइएगा कि आप ये चीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर 1000 लोग से ज्यादा के पोल्स आते हैं और ये आते हैं, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट मेकिंग, और आपको इस वीक वो चीज भी देखने को मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप लोग नए हो, और अगर आप लोग पुराने भी हो तो सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार बटन ऑन कर दो एंड क्लिक कर दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और ज्यादा आप लोगों के साथ ग्रो करते रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।